सेटअप uh, में वो, वो कल वाला जो था वो आज भी शामिल है उतने ही स्टॉक्स हैं बैन में बट ओवरऑल सेटअप जो है वो हमारा ठीक है नॉर्मल प्रैक्टिस रिज्यूम्स जितना एफ बेच रहे हैं उतना आ, हम आ, खरीद, खरीद रहे हैं एक मुझे ना गुरमीत ने बहुत अच्छी मीम भेजी थी टाइम हाँ? मिलेगा तो मैं दिखाऊँगा वो बेसिकली आत्मनिर्भर मार्केट उसके ऊपर है तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों मैं फटाफट एक बार उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा था जैसे आ, कल एफ ने चार करोड़ बेचा डी ने चार करोड़ ख़रीद लिया वो बार आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर आ, ये देखिए ये एफ़ आई और डी आई तो जितना एफ़ आई ने बेचा उतना डी आई ने खरीद लिया और ये लगातार बार्स रहे हैं यहाँ पर ग्रीन और रेड रेड एफ आई एस के ग्रीन डी आई एस के मंथ टू डेट में वो नंबर पच्चीस हज़ार करोड़ एफआई आई की सेलिंग का है और अट्ठाईस हज़ार करोड़ डीआई की बाइंग का है ईयर टू डेट एफ ने एक लाख ,00 करोड़ बेचा है करीब करीब डी ने एक लाख अस्सी हज़ार करोड़ खरीदा है तो पूरी की पूरी मार्केट जो है हमारी अब हमारे पैसे पर चल रही है वो अपने आप में एक पॉजिटिव है खैर नहीं भाई इंडेक्स फ्यूचर्स में चार करोड़ बिके स्टॉक फ्यूचर्स में पाँच करोड़ के करीब की बाइंग हुई तो थोड़ी सी मिक्स पिक्चर है लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई देगी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अब थोड़ी सी बाइंग आनी शुरू हुई है और जो एक वन वे सेलिंग चल रही थी बैंक निफ्टी में वो थोड़ी खत्म हुई अब आज इस डी एफ बैंक का इंपैक्ट देख लेते हैं लेकिन एक व्यू ये बन रहा है कि बैंक निफ्टी में शायद बॉटम लगाए अब आज सस्टेन करेगा ही नहीं वो देखते हैं निफ्टी फ्यूचर में हालांकि सेलिंग हुई 515 करोड़ की और ट्रेंड थोड़ा अब मिक्स हो गया एफ आई का ऑल ओवर द प्लेस पिछले पांच दिन का ट्रेंड देखेंगे तो मतलब एक दिन पॉजिटिव बाकी चार दिन निगेटिव कल लॉन्ग कम हुए पाँच और शॉर्ट एड हुए दो और वापस अब हम अगर नेट लॉन्ग की बात करें तो पंद्रह हज़ार नेट लॉन्ग पर आ गए हैं जो एक बार मामला दो तीन लाख पर पहुंच गया था अब पंद्रह हज़ार नेट लॉन्ग पर है तो मतलब मामला इवन स्टीवन है पचास पचास ही इक्यावन मतलब ऑलमोस्ट पचास पचास का ही मामला हो गया इंडिया वेक्स भी कल थोड़ा सा बढ़ा थ्री पॉइंट सिक्स सेवन पुटकॉल रेशो थोड़ा स्टेबल है वन पर है जब तक ये पुटकॉल रेशो वन पॉइंट फोर पर नहीं जाएगा तब तक मैं इस मार्केट पर अब वापस नेगेटिव नहीं हूँ पॉजिटिव ही रहूंगा इस मार्केट पर और बैंक की जहां तक बात है आशीष वही मामला एक ऐड हो गया एक माइनस हो गया तो अभी भी पंद्रह स्टॉक एज इट इज़ बने हुए हैं सन टी भी हुआ कल बैन में लग रहा था देखकर और जी एन एफ सी बैन से बाहर हुआ है और कुल मिलाकर अभी भी करीब करीब पंद्रह स्टॉक्स बने हुए हैं बैन में यह है सेटअप यह है ग्लोब के समीकरण अब हमारा आज का निफ्टी का अप्रोच कल का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा कल चैलेंजिंग दिन था क्योंकि क्यूज ऐसे थे डोमेस्टिकली वो वीकेंड पर सरदर रहा हिंडनबर्ग का मामला पूरा उस पर रिएक्ट करना था और रिएक्शन आना था दबाव के साथ ग्लोब को अंडर परफॉर्म करने के इंडिकेशंस थे पर कल सुबह की चर्चा में था क्या अगर दबाव में खुले तो अच्छे मौके होंगे खुलने के बाद दबाव में जब स्थिरता नज़र आनी शुरू हो लैच ऑन कर लीजिएगा अच्छे मौके देगा बाजार खरीदारी करने और ये भी मेंशन था 24 410 के ऊपर की डायरेक्टरी में जा रहा है तो और खरीदारी करने दिनों जो कर वो वो से सरदर्द बना हुआ है तो कल का अप्रोच बढ़िया रहा खरीदारी करने के मौके ढूंढे और बाजार ने ड्यूली करा और जो जोन थे वहीं पर आके थका आज का अप्रोच आज का अप्रोच भी सेम है सम्भाव मुझे लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी डाउन दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए अप ही होना चाहिए मार्केट लेकिन फिर भी चौबीस चार सौ से चौबीस चार सौ पचास ये मेन रेजिस्टेंस है आशीष पिछले दो दिन का हाई और ट्वेंटी डेमा अब आप कहेंगे कल का हाई तो चौबीस चार सौ बहत्तर था जैसे मैं कह रहा हूँ बीस पच्चीस पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता वो तो कई बार एक आधा ऑर्डर पंच हो जाए उसी में एक्स्ट्रा लग जाता है तो इसके लिए चौबीस चार सौ चौबीस चार सौ पचास ट्वेंटी डेमा पिछले दो दिन का हाई और अगर ये क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है 24,550 से 24,600 तक जाने की क्षमता रखते हैं जहां पर आपका ऑप्शंस का कॉल आइटर्स बेसिकली यहां पर बैठे हैं सपोर्ट कहां है पहला सपोर्ट 24,200 से सॉरी चौबीस दो से चौबीस छोटी सी रेंज है यहां पर पुट राइटर है और यहां पर कल का लो है इसके लिए मैंने चौबीस दो सौ रखा है और बड़ा सपोर्ट है चौबीस से चौबीस चार्ट बेस्ड मेरी अप्रोच क्या रहेगी मेरी अप्रोच आज प्योरली लेवल बेस्ड है और वो लेवल बेस्ड इसलिए है क्योंकि मुझे आज लगता नहीं कि मार्केट में ऐसे ही कोई क्यूज़ हैं जो आपको वन वे और द अदर मैसिवली मूव करेंगे तो इसके लिए लेवल बेस्ड अप्रोच क्या रहेगी चौबीस दो से चौबीस तीन जो जोन जहाँ पर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम शायद ओपन होंगे ये बाय का जोन है ये बाय का जोन है और ऐड करने का जोन है वो चौबीस दो सौ से चौबीस दो सौ पचहत्तर मोटा मोटी मैं क्या कह रहा हूँ चौबीस दो सौ से लेकर चौबीस तीन सौ पच्चीस तक के जो जोन है उसमें स्लोली 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 अपनी पोजीशंस को बनाएं निफ्टी फ्यूचर्स में ओके okay. और एक स्टॉप स्टॉपलस रखें 24,150 का एक टाइट लॉस रहेगा सिस्टम में 24,150 का अगर वो लगा तो आप आउट पोजिशनली हमारा लॉस अभी भी वही है जो हमने बात की थी कि तो 24,000 के आसपास लेकिन इंटरडे ट्रेडर्स के लिए 24,150 के करीब का लॉस ये रखें और एक चीज़ सेल ट्रेड भी बन सकता है अगर इंट्राडे में प्योरली इंटरा में मार्केट फिर से कल की तरह से कल ट्रेड तो वर्क हुआ ही लेकिन कुछ लोगों के लिए सेल ट्रेड भी वर्क हुआ होगा उस तो रिजेक्शन के बाद ट्वेंटी डे मार के। तो अगर चौबीस चार सौ फेल होने लगे रिकवरी में तो एक सेल ट्रेड बनता है चौबीस पाँच सौ के स्टॉप लॉस के साथ लेकिन मेरा बायस जो है वो लॉन्ग साइड पर है देखिए अब अनटिल एंड अनलेस ये जो हिंडनबर्ग वाला मामला है इसमें कुछ और नया मोड़ आ जाए जो हम नहीं कह सकते तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट कोई इसकी वजह से पैनिक करेगा बाइंग बाय ऑन डिप्स ये कंटिन्यू करना चाहिए बिल्कुल खरीदने के मौके ही ढूंढने इस मंथ वापस नया उच्चतम स्तर जड़ता हुआ और इवेंचुअली साल भी ऑप्टिमिज्म का ओवरडोज देखने को मिलेगा ये अपन लगातार मेंशन कर रहे हैं, चर्चा हो रही है निफ्टी बैंक लकी स्क्रीन पे कल का सेशन कल जब सुबह बातचीत हो रही थी तो थोड़ा सा वो ऑप्टिमिज्म का टोन था उस पॉकेट को लेकर उसने आउट परफॉर्म भी करा अच्छा कल और आज की जो एक चीज़ बदलती है वो आपने जो एच डी एफ सी बैंक हैवी वेट का स्लाइट नेगेटिव बायसनेस की आज की बात करी फिर निफ्टी की हम एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं क्या अप्रोच रखें इस पॉकेट को लेकर बिल्कुल देखिए एच डी एफ सी बैंक नेगेटिव है लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए महंगाई का आंकड़ा पॉजिटिव है हाँ ये एट द एंड ऑफ द डे जो आंकड़ा है वो है तो इसके लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अच्छा नेगेटिव भी न्यूज़ नेगेटिव नहीं है पोजिशनिंग के हिसाब से नेगेटिव है मतलब ऐसे, ऐसे ऐसे कुछ ये नहीं होगा कि के पैसा, तो नहीं पैसा तो आना ही पैसा तो आना है और वो भी अच्छा पैसा आना है मतलब वन बिलियन डॉलर मतलब मैं देख रहा था काफ़ी बड़ी बाइंग है इतना ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मतलब छोटी मोटी बाइंग है तो ये उस हिसाब से ठीक है मतलब 16-17 दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा का वॉल्यूम है इसमें एच डी बैंक में लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्योंकि पोजीशनिंग वन ट्रांच के हिसाब से हो गई थी इसके लिए बाई चांस अगर ये चार ट्रांचेस में आ जाता ना तो आज एच बैंक सौ रुपये नीचे होता लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद पच्चीस रुपए नीचे पच्चीस रुपये ऊपर बस इतना ही मामला होगा एच बैंक में खैर एनी वे निफ्टी बैंक की बात हो रही है मैं एच डी बैंक पर अलग से बात करूंगा निफ्टी बैंक की जब बात हो रही है तो निफ्टी बैंक पर ट्रेड जो है ना आशीष अब दो लेवल्स का है वो लेवल्स क्या है ट्वेंटी डेमा और हंड्रेड डेमा ना ये ट्वेंटी डेमा तोड़ रहा है अप साइड पर ना ये हंड्रेड डेमा तोड़ रहा है डाउन साइड पर आप चार्ट उठा के देख लीजिए बैंक निफ्टी का पिछले दस दिन का बॉटम बनाया है इसने 100 डेमा पर लेकिन 20 डेमा नहीं तोड़ पा रहा 100 है हंड्रेड डेमा कहाँ है फोर्टी पर ट्वेंटी डेमा कहाँ है फिफ्टी वन पर अब आप कहेंगे तो बड़ी रेंज हो गई बिल्कुल बड़ी रेंज है अगर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं तो करिए और एक्चुअली ये दिखने में बड़ी रेंज लगती है दो परसेंट सिर्फ अब दो परसेंट तो किसी भी इंडेक्स की रेंज होगी ना मतलब तो इसके लिए मतलब एक परसेंट अप साइड पर एक परसेंट डाउन साइड पर आज की डेट में बैंक निफ्टी में एक परसेंट का मतलब है पाँच सौ पॉइंट तो इसके लिए उस हिसाब से समझ कर आपको ट्रेड करना है तो इस रेंज को ट्रेड करें फोर्टी नाइन एट फिफ्टी से फिफ्टी वन वन हंड्रेड हाँ अगर आप डे ट्रेडर हैं जो कि हमारे नाइन्टी परसेंट ट्रेड व्यूअर्स हैं इन दैट केस फर्स्ट साइन ऑफ सपोर्ट पर बाइंग करें डे लो के स्टॉप लॉस के साथ और फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल पर सेल करें डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अगर आप लॉन्ग ले रहे हैं तो डे लो का स्टॉप लॉस होगा और अगर शॉर्ट ले रहे हैं तो डे हाई का स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी की ट्रेड्स में और स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड्स आपके लिए यहां पर बैंक निफ्टी में ओके स्ट्रिक्टली इंट्राडे रखिएगा निफ्टी बैंक पे ये स्ट्रेटजी इन्फ्लेशन अच्छा नम प्रिंट इनके लिहाज से सबके लिहाज से बाय द वे और एचडीएफसी uh, बैंक थोड़ा सा ठंडा शायद पड़ा हो इन बदलते समीकरणों के बीच में लेवल्स वॉच आउट करने वाले हैं जिन भी